एक चीज बोलू हाँ। चलो नहीं इतना नहीं बोलता मैंने नहीं खाई तेरे लिए। क्रेजी के जितने फ्रेंड है ना सब झूठे हैं। कल से जॉब छोड़ रही हूँ और फाइनली आप लोगों को आज बता ही देती हूँ। किस्मत से मिलते हैं ऐसे। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दम में पी रही हूँ चाय। ग्रे कलर का ब्लाउज लेने? ग्रे नहीं है वाला। हाँ ये ग्रे है। आज फाइनली शॉप का बैनर बन जाएगा। बैनर ही न्यूज पे लगा हुआ था इसलिए आज बनवा लेते हैं। कब से सचिन को बोल रहे बनवा ले, उसको समझ ही नहीं आ रही। आज बोल रहा है कि अब बनवा लो, तो नाम हमने डिसाइड कर लिया है। अब जब लगेगा ना तब बताऊंगी कि क्या नाम है। फ्री बैठे बैठे नेल पेंट, इतनी मेहनत से ढूंढ के लाए हैं मेले में से, तो उसका कुछ तो यूज करे है ना। हम लोग आए हैं घर क्रेजी से मिलने। वालों को अनिता का कलर करवा लिया कलर का करवा बाल ऐसे ही है रियल में, बुरे ही दिख रहे हैं मेरे को। कलर नहीं करवाते। गर्मी स्टार्ट हो गई है। ऑमलेट बनाया। लोग आए हैं क्लासेस देखने, कैसी लग रही हूँ? अच्छी नहीं लगती जैसे क्लासेस मेरे ऊपर, बट ठीक है। क्या हुआ था? क्या हुआ? ये तो अच्छा लग रहा, मुझको तो कोई सा भी अच्छा नहीं लगता। ये वाला खड़ा होगा कि बाइक खड़ा होगा कि इधर घूम। मैं आ चुकी हूँ घर और क्रेजी 2 दिन से घर पे ही है, तो हर्षित ले जा रहा है मेले में थोड़ा घुमाने के लिए कि मूड फ्रेश होगा, है ना। अच्छा लग रहा है ना अभी? ये तो हर्षित को बोलना उठा के घुमाए मेले में, तो घुमा लेगा उठा के। मेरे डिग्री आ रहे हो, चलो जाओ। हाँ चल। टेक केयर, जय श्री महाकाल। टेक केयर, जय श्री महाकाल। और ज्यादा झूले वगैरह मत झूलना, है ना। क्यों? नहीं अभी तबीयत नहीं ठीक है। और बाहर का कुछ मत खाना, मैं खाना बनाऊंगी घर पे आके खाना ही खाना। तुम्हारी तबीयत खराब होती, मेरी तो ठीक होती। ठीक नहीं होती अभी तबीयत खराब है, अभी मत कुछ करना। हाँ। और कुछ बाद में झूल लेना, अभी बहुत दिन है मेले के। ठीक है और कुछ खाना मत। किस्मत से मिलते हैं ऐसे। कुछ खाना मत बाहर का, पाव भाजी वगैरह, है ना। क्रेजी की आंखें एकदम वाइट वाइट हो गई, ठीक से खाना पीना नहीं हो रहा ना, क्योंकि बुखार में खाना खाने की इच्छा नहीं करती और क्रेजी ने भी खाना नहीं खाया है अभी तक ठीक से, इसलिए तबीयत गड़बड़ा गई है। टेक केयर, जय श्री महाकाल। बाय। मिलने आया कि तेरे दोस्तों को लेने आया? झूठे सब झूठे जा रहे। क्रेजी के जितने फ्रेंड है ना सब झूठे हैं। मैं अगर अंकु को लेने आता ना तो मैं वहीं से गाड़ी पलटा लेता। इतने दूर किस लिए आया? क्योंकि आपके लिए। अच्छा चलो थैंक यू। एक चीज बोलू? हाँ। चलो नहीं इतना नहीं बोलता। बोल दे आज तो तू बोल ही दे बिना डरे। मार दे साले का खोपड़ी तोड़। नहीं बोलता। ज्यादा झूले मत झूलाना, है ना। और बाहर का भी मत खिलाना। आप हमारे हवाले वतन साथी हो। वतन है ना गुरु। बाय। तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, अब बना लेती हूँ खाना। तर मेथी, सच में ये तमाशा देखते में ना बहुत मजा आता है। मेथी के पराठे बनाऊंगा और मेथी की सब्जी। मुझे ना भूख लगी है, पहले लड्डू खाते हो फिर खाना बनाऊंगा। सर है? जी हाँ है। आज ना फाइनली मैंने कूलर धो ही लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 2-3 दिन सोच रही हूँ धोने का, बट धोना ही नहीं हो पा रहा। क्रेजी को ना तबीयत खराब है,
तो मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। हमारा पंखा तो बहुत कम चलता है और अभी गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, अब इतनी ठंड नहीं लगती, तो नींद ही नहीं आती, बस करवटें ही बदलते रहना। मैं सोच रही थी कि धो लूँगी और कूलर ही चलाएंगे, बट मैं आती हूँ जब क्रेजी का नहीं रहना होता है और मैं जाती हूँ जब क्रेजी तो अकेले शायद ही धुल पाएगा, बट आज मैंने हिम्मत करी कि ऐसे ऐसे काम नहीं चलने वाला है, धोना ही पड़ेगा। तो मैंने ट्राई किया कि उठता है कि नहीं, वैसे मुश्किल था बट फिर भी कर लिया और धो लिया। थोड़ी सी मुझे लग भी गई अंगूठे में, इसका जो ये ढक्कन है ना ये गिर गया था, जब इसको धो रही थी तो एकदम से ये बहुत जोर से गिरा तो मेरा हाथ यहाँ दब गया था, हाथ में लग गई। क्रेजी को पता चलेगा कि मैंने अकेले ही वॉश किया तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, मुझे इतनी जल्दी क्या थी, हाथ भी बहुत जलन कर रहे, मिर्ची काटी ना शायद इसलिए, पोछे वगैरह भी लगा दिए, दिन में टाइम ही नहीं मिल पाता है कुछ भी काम करने का मुझे, इसलिए मैंने कर लिया। गर्मी मतलब गर्मी तो नहीं लगती बट ना अच्छे से हवा मतलब थोड़ी ठंडी लगती ना तो ही सोने में अच्छा लगता है, तो पंखे की हवा नहीं लगती तो नींद ही नहीं आ पाती है, और क्रेजी को तो नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने सोचा धो ही लेती हूँ, तो फाइनली चलेगा। फिर दो तीन दिन में धो लेंगे, वैसे हम दोनों धोते हैं ना तो इतना पता नहीं चलता, बट आप लोग सोचोगे कितना सा कूलर है, और मतलब मैं ऐसा कर रही हूँ कि उठ नहीं रहा था बट वो दिख रहा है इतना, बट बहुत ज़्यादा हेवी है, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी भी था जब हमने बंद ना तो उसमें थोड़ा सा पानी रह गया था, तो उठाने में बहुत दिक्कत हुई, उधर से लाने में तो ठीक है उठा लिया था मैंने, बट इधर से ले जाते टाइम उसमें पानी था तो बहुत उसका वेट ज़्यादा लग रहा था, तो अभी बच गए थे 10:30। क्रेजी और ये लोग तो पता नहीं कब आएंगे, खाना वगैरह भी मेरा बन ही गया है, अकेले ही बोर हो रही हूँ, अब मैं वेट कर रही हूँ बस, तो पानी भी डाल ही लेती हूँ, फ्री और क्या करूँ, फ्री बैठे बैठे कुछ तो करूँ। वैसे मैंने अच्छा ही वॉश किया है, देखो एकदम इसको चमका डाला, अच्छा दिख रहा है, पूरी धुल धुल हो गया था वो। हमारा रूम ना मतलब एकदम रोड के जस्ट पास है ना, तो इतनी धूल आती है जबकि हम ये खिड़कियां हमेशा बंद रखते हैं, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा धूल आती है। देखो मैंने टेडी ड्रेस ना धो दी, इतनी स्मेल आ रही थी इसमें से इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसको पहन के रखते होंगे और गर्मी बहुत ज़्यादा होती होगी ना, बहुत स्मेल कर रहा था, पता नहीं पहनने वाले कैसे पहन रहे थे उसको, मैंने वॉश कर दी जो भी हो, वैसे लग रहा था कपड़ा कि वॉशेबल ही होगा बट थोड़ा थोड़ा ना फट गया ये वॉश करने में, बट उसको वॉश तो करना पड़ेगा ना, कब तक ऐसे यूज करेंगे। ये तो हर्षित ने मुझे देने का बोला था, मुझे देना ये दो पापड़, वाओ तेरे लिए एक बहन और तेरे लिए सबसे अच्छी चीज ये भी, क्या है इसमें मेरी फेवरेट चीज इमली, मैंने नहीं खाई तेरे लिए, चलो तो काटने तोड़ेगी, कुछ नोटिस किया क्या, कुछ किया रूम में नोटिस, कूलर हाँ, अरे इसको रख दे तू, पहले तबीयत खराब है अभी, क्यों रात में गर्मी लगती ना, नहीं कहीं नहीं, अभी उसको रखो, साफ करा इसको, कर लिया, तूने अकेली था कैसे कर लिया, कर लिया, उठा के ले गई थी, पानी भी ढोल लिया, बहादुर है तू तो, देखा उसके लिए मैंने साफ किया, रात में नींद नहीं आती, अच्छे से हवा नहीं लगती, अरे नहीं, अभी नहीं, अच्छा किया, बाकी अभी नहीं, ये चीज नहीं होना, तबीयत खराब हो रही है, मौसम पलट रहा है, इसमें क्या है यार, मेरी फेवरेट चीज वही निकाली, अच्छा मूंगफली, आज पता है मैंने क्या किया, क्या मूंगफली के दाने नहीं मिल रहे थे मुझे, अंकल जो मुझे बोले सॉल्टेड वाले हैं, मैंने बोला वही दे दो, मैंने सॉल्टेड वाले डाल दिए बलौर की सब्जी में, वाह तभी तो बोलो ऐसी क्या लग रही है, हाँ ऐसी क्या लग रही, मैंने भी खाई बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, खाना खाए क्या, मुझे भूख लग रही है, खाना खा लेना, मेरे को अभी भूख नहीं है, नहीं मैंने बोला था अकेले नहीं मैं खा सकती ना, नहीं तो मैं खा ही लेती, भी खाया और क्या खाया, गराड़ू खाए बस, बाकी सब ले लिए, भेल ले ली, टाइम हो रहा है, और क्या बोलते रहे, क्या ये अकेली जगह
बेल खा, बेल खानी है? बेल खा लेना, थोड़ा टेस्ट ही नहीं आ रहा कहीं, पर अब थोड़ा ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा। बेड पे का बेड पे नहीं लेना, मेरे को सिखाया जाता है ना। तो तू रहती है दिन भर, तेरी तबीयत खराब रहती है तो हम तेरे पास रहते हैं। क्या करूँ, छुट्टी ले लूँ? जॉब छोड़ा है कभी ऐसा? तेरी तबीयत खराब तो छुट्टी लिया, इतनी भी वो करने की जरूरत नहीं है। काम पहले है, पहले कल से जॉब छोड़ रही हूँ, देख लेना पक्की बात ना। हाँ कमिटमेंट कर दी, मतलब कर दी। हाँ ये तो गिरेगी गिरेगी, इतनी सी क्यों दी? ये तो मुझे लग रहा कम है। कम है क्या? हाँ आओ खा ले, खाओ। खाई कि नहीं तुम लोगों ने? नहीं खाई। खाओ ना, स्पून लाओ। से खा लेगा, जा दूसरी ले, इन्फेक्शन हो रहा। अच्छे उठा, मस्त खा खुटो खा, अभी भूख लगी, सब अच्छा ही लगेगा मेरे को, नरम हो जाएंगे ऐसे पंखे में रख दिया। तो क्रेजी ने मुझे झूठ बोल दिया कि तू खाना खा ले, मेरे को थोड़ी देर से खाना है, और अब मेरा खाना हो गया तो अब बोले अब मुझे सिर्फ सोना है, मेरे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। कहाँ से सीखा झूठ बोलना है? धीरे धीरे सब सीख जाता है। ये इतने रेड रेड क्यों हो गया? हाँ क्यों, कुछ खाया? गोला खाया था। हाँ इसलिए, मैं समझी फट तो नहीं गए। तब बज गए हैं 12 और बोलो बोलो, अब हम लोग सोते हैं। बोलो बोलो, समुंदर का पानी है गुलू गुलू, मेरे सोने का ख्याल है गुलू। बुखार आ रहा ना, सजना सवरना नहीं जाता। ये सजना सवरना है और क्या है, अच्छा दिखना चाहिए, बोला कुछ भी हो रहा हूँ। लगाया नहीं बहुत दिन से, वैसे लगा लो सा, वो फटा फटा लगा। तू लगाते था, तू तो रोज लगाते था। बीमार होते बीमार में कहा कार छोड़ देती तू? मैं बीमार है, बेड से नीचे भी नहीं उतरती। तैयार होना तो बहुत दूर की बात है, सह जाती हो ना अब तो। तो गाइस आप सब लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आता है एक चीज को लेकर, तो वो फाइनली आप लोगों को आज बता ही देती हूँ, है ना? हाँ, बता ही दो ना, दो बार बार आप लोग भी कमेंट करते रहते, मैं भी पढ़ती रहती हूँ, अब थक गई हूँ तो अब बता ही देती हूँ। ऐसा कुछ भी है हमको याद नहीं रहता, तो अभी हम बता देते हैं। मुझे याद आया एकदम से कि बता देना, बार बार क्वेश्चन करते हैं। वो है इस चमत्कारी क्रीम का राज, कि ये इसके चेहरे पे कौन सा क्रीम लगाती है और ये बताती नहीं है ना। तो ये क्रीम पता है बहुत बहुत अच्छा है, होम्योपैथिक क्रीम है और ये सिर्फ होम्योपैथिक मेडिकल पे ही मिलेगा, क्योंकि खरगोन में भी एक दो मेडिकल पे ही मिलता है सिर्फ, और बहुत मस्त क्रीम है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है, पिंपल वगैरह, धूल से एलर्जी होती है, छाई वगैरह, तो यूज करें, बहुत अच्छा है। बता दूं क्या नाम? नाम तो बताया है एंजल ने, पर आपको फिर भी कमेंट आते ही है, तो अभी डायरेक्ट फोटो लो। एक ने एड नाम है इस क्रीम का, एक ने एड, और मात्र कितने इसकी MRP पता है कितनी है? 120, हाँ 130 का आता है मतलब, पर बहुत मस्त क्रीम है। इसको तो एंजल को लगाते लगाते कितना समय हो गया तुझे? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो छोड़ देती हूँ, फिर पिंपल होते फिर, पर फिर भी इसको 3 से 4 ईयर हो गए कंटिन्यू लगाते लगाते। बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इसे ना रिएक्शन होता है धूल वगैरह से, ये लगा लेती तो पिंपल हट जाती। मुझे तो पिंपल इतनी जल्दी हटती है उससे, बहुत जल्दी, और फेस पे ग्लो भी आता है अच्छे से। ट्राई करना आप लोग भी, जिसको भी साबुन का नाम पे क्या है वो भी होम्योपैथी के, ये इसका नाम है एक ने एड और उसका नाम है डर्माइट। डर्माइट
साबुन भी आती है इसकी, वो मैं तो वो साबुन ही यूज़ करती हूँ और क्रीम यूज़ करती हूँ। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि डेली लगाओ, जब आपको पिंपल हो रही है या फेस ऐसे ख़राब ख़राब सा लग रहा है तो लगा लो, वरना कोई बात नहीं। मैं भी ऐसे ही लगाती हूँ, ऐसा डेली तो इतना याद नहीं रह पाता है। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, जय श्री महाकाल।